हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 25 अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है, देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा भारत के चुनाव आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो है वो जीता है, वो है रोनी और सुलेवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने भारत क्षेत्र में मानवीय रसद का उत्पादन करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दोस्तों क्या है, IAM खोजी कोड़ ने। अगला क्वेश्चन था कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दोस्तों किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय तटरक्षक ICG ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम है ICGS C454 लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है दोस्तों कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ जो है सहयोग की योजना नामक एक योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों किया है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन था कि उस क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जिसे वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये नाम था दोस्तों रोहित शर्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने NRI अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी देने के लिए पहला राज्य जो है बन गया। ठीक है, NRI अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया, तो ये दोस्तों बना है पहला मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम हरित पथ है लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किया है नितिन गडकरी, यानी कि परिवहन मंत्री जी ने। ठीक है, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे, ठीक है, सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये दोस्तों हुआ है आसाम में। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे आसाम में उद्घाटन जो है इसका किया गया है। रोपवे की जो दोस्तों लंबाई है वो 1.8 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात है, जो भारत की सबसे पहली रोपवे जो बनी है ये आसाम में बनी है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1.8 किलोमीटर है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, रोपवे को गुवाहाटी में कचहरी घाट में उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर तक परोसा जाएगा। ठीक है, अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का जो है समय कम करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आसाम की डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आसाम का गठन हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 1960 को। आसाम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। ठीक है, आसाम के मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी। लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों यहाँ पे 14 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 7 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 126। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, आसाम में स्थित है। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल गुलाम व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को यह मनाया जाता है? ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है हर साल 23 अगस्त को। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अगस्त को गुलाम व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मतलब ये दिवस उनके लिए मनाया जाता है जो स्लेवरी बिजनेस करते हैं उनके उनसे जो बचने के लिए। ठीक है, और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों को याद में दास व्यापार की त्रासदी को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को UNSECO यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा समुद्री दास व्यापार और यादगार बनाने के लिए जो है नामित किया गया है।
ये उन पुरुष और महिलाओं को याद करने को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1971 में सेंट डोमिंग में विद्रोह किया और दास्ता को अमानवीकरण के अंत में मार्ग जो है प्रशस्त किया था। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो UNSECO का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। इसके जो प्रमुख है वो ऑड्रे अजोल है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, किसकी स्थापना हुई है? UNSECO की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भारत सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब किसे SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये अपॉइंट किया गया है दोस्तों अश्विनी भाटिया जी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक और MD के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। उन्हें 21 मई 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो कब तक अपॉइंट है दोस्तों? वो अपॉइंट है 31 मई 2022। ठीक है, तो भाटिया जी जो है वो वर्तमान में SBI ठीक है म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया जिनका जो है 31 मार्च को सुपर नियुक्त किया गया था। ठीक है, जिनको 31 मार्च को जिनका जो है अपने पद से जिन्हें हटाया गया था। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है वो रजनीश कुमार है और मुख्यालय जो है मुंबई में है और जिसकी स्थापना दोस्तों हुई थी सन 1955 में। ठीक है, SBI की स्थापना सन 1955 में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, उस निजी क्षेत्र बैंक का नाम बताइए जिसने देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम करने वाले कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक जो है गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक का एक पहल शुरू किया है। ठीक है, तो ये पहल शुरू किया है दोस्तों एक्सिस बैंक। इसमें है क्या दोस्तों, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं पहले। तो एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी नाम का एक नया पहल शुरू किया है जिसका उद्देश्य जो है वो कुशल प्रतिभाओं को लाना है जो देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम कर सकते हैं, मतलब कि अपने घर से भी अपने बैंक का काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस हायरिंग मॉडल में दो वर्किंग पैटर्न शामिल है, एक जो है पूर्णकालिक स्थायी नौकरी है और दूसरा जो है एक परियोजना की अवधि पर आधारित है। मतलब एक जो है वो परमानेंट क्या बोलते हैं एम्प्लॉय देगा और दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस पहल के तहत जो है एक्सिस बैंक का इरादा 800 से 1000 लोगों तक को रोजगार देना है। ठीक है, मतलब एक्सिस बैंक जो है वो इस इनिशिएटिव के थ्रू 800 से 1000 लोगों तक का रोजगार जो है वो पैदा करेगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो एक्सिस बैंक के MD और CEO है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और एक्सिस बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1993 अहमदाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 28 सितंबर 2020 को वन अरेंज मर्ड नामक पुस्तक का विश्व स्तर पर लॉन्च करने का फैसला किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल एज वन अरेंज मर्डर That will be released globally on September 28, 2020। ठीक है, तो ये दोस्तों जो किताब लिखी गई है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक जो है 28 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर जो है जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये बुक अभी लॉन्च नहीं हुई, ये लॉन्च होगी 28 सितंबर 2020 को। ठीक है, कथा पुस्तक एक व्यवस्थित विवाह की पृष्ठभूमि में एक हत्या का रहस्य जो है वो चित्राता है, मतलब ये बुक की जो कहानी है वो ये है। ठीक है, पुस्तक जो है वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा जो है प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा जो है उसे प्रिंट करके प्रकाशित किया जाएगा। यह जो है लेखक का नवा उपन्यास है और कुल मिला के 11वां पुस्तक है। ठीक है, तो ये चेतन भगत का जो है 9th उपन्यास है और टोटल जो है इन्होंने अब तक जितने भी बुक्स रिलीज किए वो टोटल 11th बुक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, उस दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नेम द लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हु हैज बिकम द फोर्थ साउथ अफ्रीकन प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कालिस को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसके, तो महान दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर जैक कालिस को एक अभ्यासी समारोह में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में जो है वो शामिल किया गया है। कैलाश जो है वो
1995 और 2020 के बीच 166 टेस्ट उन्होंने खेला है, वहीं 328 वनडे खेले और 25 टी20 खेला है जो दक्षिण अफ्रीका के तरफ से। ठीक है, जैक एलिस जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ है मनु साहिनी, और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य यूएई अमीरात में स्थित है। ठीक है, आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो इमरान ख्वाजा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर करेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों अपने ग्रुप में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।